सूरजपुर में ग्राम जैतपुरा में सूचना प्राप्त हुई थी शाम को 6:09 को कि एक मामचंद नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी बेटी को गोली मार के हत्या की। लेकिन सूचना पर फोर्स किया था, गांव वालों ने कोई बताने उतार के घटना स्थल पर। उसके बाद इसकी पूरी छानबीन की गई। छानबीन के बाद एक बात प्रकाश में आई कि मामचंद की लड़की 16 साल की मौन का ये अपने रिश्ते के मामा लोकेश हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, उनसे फ़ोन पे मोबाइल बात करते हैं, जिसके संबंध में मामचंद ने कई बार एतराज किया तो बार बार फ़ोन नंबर दिए उसको, और जब भी मामचंद आता था फ़ोन ये काट देते थे। तो इसके कंडक्ट पर इसके बातचीत के उससे मामचंद को बहुत आक्रोश था, लगातार मना करने के बावजूद ये मान लिया। 9 तारीख को शाम को 6 बजे जब मामचंद घर पर आया तो देखा फिर ये बात कर रही है, उसके बाद उसको आ गया गुस्सा, उसने और इसके लड़के ने मिल दी, उसके गोली मार के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्या करने के बाद ये लोग अपनी बैगन आर में डाल के इसको दरियापुर ले गए, और दरियापुर में वहाँ पर जनपद बुलंदशहर में दरियापुर में गंगा जी के कारण इसमें लाश मिली। तो हम लोगों ने गोताखोर भेजे हुए हैं, लाश को हम ढूंढवा रहे हैं, लाश ऐसी मिल जाएगी और हो जाएगी। उसने खुद कन्फेस किया, पट्टा इससे मारा, वो उससे बरामद हो गया, और बैगनार जिससे लाश को ले गया था उसके खिलाफ 12-302 के अंतर्गत थाना छोड़ी थी, उनके बाद दोनों मुझे गिरफ्तार हो गए और लाश की पूछताछ। ये मामा कौन था और क्या आशंका थी इसके? मामा इसका रिश्ते का मामा लगता था, रियल मामा तो नहीं बताते, लोकेश नाम था, और इसके फादर को ये शक था कि इसके उससे अवैध कनेक्शन या इससे इलिसिट रिलेशन होंगे। उसी शक के आधार पर दूसरा, उसके बार बार मना करने के बावजूद, पिता के बार बार मना करने के बाद लड़की बार बार उसी को फ़ोन मिला रही है, जब भी फ़ोन मिला रही है, जब भी माँ से सामने फादर आया है वो फ़ोन काट दे रही है, तो उसको शक हो गया था कुछ मामला गड़बड़ है। इसी शक के आधार पर इसको बराबर मना कर रहा था। जिस दिन घटना हुई उस दिन वो फ़ोन कर रही थी, और जैसे ही देखा तो उसने कहा मामचंद के फ़ोन से फ्रीज ने बुलाया था। उसी बात पे इसको एकदम गुस्सा आया और उसका गुस्से में किसी मामचंद का सर थोड़ा प्रोफाइल बताया। मामचंद बेसिकली जो है कभी कभी अपनी गाड़ी ये है वैगन आर एस से टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करता है, करता रहता है, कोई वैसे कोई मामचंद के बारे में बताया। पहले 2001 में ये अपने सगे भाई को बल्लम से हत्या कर चुका है। तो बेसिकली क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, एंगर, तीनों चीज़ें मिल गई, और तीसरा उसको मिल गया सस्पिशन। तो जो इस तरह का माइंड हो तो वो टॉलरेंस उसकी कम थी, नेचुरल माइंड। लड़की कौन सी क्लास की छात्र थी? ये लड़की जो है ये इसका जो भाई है लोकेश, ये तो पढ़ रहा था यहाँ पर, इसमें एक यहाँ पर बीबीए कर रहा था, और लड़की जो है ये भी पढ़ रही थी कि शायद 9th class छात्र, 9th class की छात्र।